दोस्तों आलीशान शानदार जानदार चीज लेके आया है आपके लिए, 90 गज का 2 BHK फ्लैट, वो भी 3 साइड बालकनी के साथ, 3 बालकनी के साथ। दोस्तों आज जो फ्लैट आपको दिखाने वाला ना, 90 गज का फ्लैट है, 3 साइड ओपन है और 3 बालकनी है। 2 BHK के अंदर दोस्तों 3 बालकनी के साथ आपको 90 गज का फ्लैट देंगे। रूफ एड भी आपको इसमें मिल जाएगी, रूफ एड के फ्लैट भी मिल सकता है। और इस फ्लैट की खास बात है, बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों मेट्रो से मात्र 200 मीटर की दूरी पे, मेन रोड से 150 मीटर की दूरी पे। साथ ही इसकी व्हाइट थीम रखी है, हमने पूरा व्हाइट पेंट कराया है, व्हाइट कलर की थीम रखी है। बहुत ही शानदार सा 90 गज का फ्लैट है, 2 BHK का, 3 बालकनी के साथ। दोस्तों इसकी लोकेशन जो है बहुत ही प्राइम है, उत्तम नगर जैसे लोकेशन में किरण गार्डन के अंदर आपको फ्लैट मिलने वाला है 2 BHK का। दोस्तों फ्लैट के अंदर बात कर लो रोड की, फ्रंट रोड आपको मिल जाएगा 30 फुट का, दूसरा रोड जो आपका 20 फुट का और तीसरा रोड दोस्तों 10 फुट का। 3 साइड दोस्तों फ्लैट में लगते हैं, 3 साइड का फ्लैट है दोस्तों बढ़िया सा। और दोस्तों उत्तम नगर किरण गार्डन के अंदर, जैसे कि मैंने आपको बताया दोस्तों, जिसके अंदर आपको फैसिलिटी मिल जाएगी, पार्किंग की, लाइट, पानी, इसी सब कुछ आपको ओके मिल जाएगा। बहुत ही प्यारा सा जानदार सा शानदार सा फ्लैट है दोस्तों, देर न करते हुए आपको फ्लैट दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ। तो दोस्तों स्वागत है आपका फ्लैट के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे फ्लैट में घुसते अपने डोर की। ये देखिए दोस्तों कितना बढ़िया आपका डोर लॉक कर रखा है, डोर लॉक देख सकते हैं कितना बढ़िया है, शानदार सा सनमाइका का यूज किया गया, शानदार सा देख सकते हैं। ये आपका सारे दोस्तों 8 फीट का आपको दरवाजा मिल जाता है, बहुत ही शानदार सा सनमाइका, इसके आगे पीछे दोनों आपको सनमाइका मिल जाती है। अब बात करते हैं हॉल की, हॉल देखिए दोस्तों कितना खुला आपको हॉल मिल रहा है, पूरा वेंटिलेटेड ड्रॉइंग रूम जो है ना, पूरा वेंटिलेटेड दोस्तों। इसमें आपका 9 सीटर भी सोफा लगा दोगे तब भी आपको स्पेस मिल जाएगा, बीच में टेबल लगाना, 9 सीटर सोफा लगाना, मजा आ जाएगा, काफी अच्छा स्पेस है। दोस्तों देख सकते हैं ड्रॉइंग रूम के अंदर कितनी शानदार सी फुल सीलिंग का डिजाइन हो रखा है, बीच में बढ़िया सी लाइटिंग हो रखी है, फैंसी झूमर लगा हुआ है, दो सैंपल के लिए फैन लगे हुए शानदार से। दोस्तों वेंटिलेशन पूरा है दोस्तों, देख सकते हैं ड्रॉइंग रूम में पूरा वेंटिलेशन मिल रहा है। दोस्तों यहाँ से भी आपको विंडो मिल जाती है पूरी वेंटिलेशन के लिए, ड्रॉइंग रूम के अंदर पूरा वेंटिलेशन है, वेंटिलेशन वाला मकान लेके आज आपके लिए, 3 साइड ओपन है। दोस्तों यहीं से ले चलता हूँ आपको अपनी पहली बालकनी में, बालकनी गिनते रहना दोस्तों, मिस्टेक ना हो जाए, 3 बालकनी है। आ जाओ दोस्तों पहली बालकनी में, दोस्तों देख सकते हैं ये शानदार से आपको बालकनी मिल जाती है, ये हमारी फर्स्ट बालकनी है। स्पेस की बात कर लो तो दोस्तों 3.5 आपको अपने 10-12 की बालकनी मिल जाती है, काफी अच्छा स्पेस है। यहाँ पे अपना चाहो तो अपना वॉशिंग एरिया बना लेना, कुछ भी यूज कर लेना, वैसे भी बहुत सारी बालकनी है, कोई कमी नहीं है इसमें बालकनी की। दोस्तों देख सकते हैं कितनी शानदार ये बालकनी थी, हमारी फर्स्ट बालकनी। अब आपको दिखाता हूँ आगे फिर से ड्रॉइंग रूम में, इसके अंदर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कितना प्यारा सा शानदार सा बड़ा सा आपका LED पैनल मिल रहा है। इसके अंदर आपका बड़े से बड़े TV इंस्टॉल हो जाएगा, नीचे आपको ड्रॉस मिल जाते हैं, यहाँ पे आप कुछ अपने डेकोरेटिव आइटम लगा सकते हैं, शोकेस बना सकते हैं इसको। दोस्तों इसके बाद दिखा रहा हूँ हमारे इसके ठीक साथ में हमारा कॉमन वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम के अंदर पूरा देख सकते हैं पूरा टाइलिंग का वर्क हो रखा है, सैनिटरी वगैरह आप लोग जानते हैं, हम एंड में करा के देते हैं। दोस्तों इसके बाद ले चलता हूँ आपको हमारे किचन के अंदर, जो लेडीज की फरमाइश रहती है कि शानदार किचन बनाया करो, वैसे ही किचन बना दिया, ये देख सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं किचन के अंदर लाइट ब्राउन कलर का पूरा सनमाइका लगा रखा है, इसमें ग्रे से कलर की आपको इसमें स्लैब मिल जाती है, शानदार सी नॉइस फ्री आपको सिंक मिल जाती है। और दोस्तों जैसा कि मैंने वादा किया था आपसे कि पूरा वेंटिलेटेड फ्लैट है, तो देख सकते हैं किचन के अंदर ही पूरा वेंटिलेशन है, यहाँ पे भी विंडो मिल रही है आपको, चिमनी तो इसमें लगेगी लगी, उसके साथ साथ आपको विंडो का वेंटिलेशन भी मिल जाता है। बहुत ही शानदार सा वर्क कर रखा है, पूरा मॉडल रखा है, देख सकते हैं, ये देखिए उसको। ये देखिए उसको। और दोस्तों यहाँ पे भी स्पेस है आपका, फ्रिज आपका बड़े आराम से किचन में इंस्टॉल हो जाएगा, यहाँ पे अपना फ्रिज लगा लेना, यहाँ पे शॉकेट वगैरह दे रखा है। दोस्तों किचन के बाद आपको दिखाता हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम। दोस्तों ड्राइंग रूम से होते हैं हम आगे अपने फर्स्ट बेडरूम में, फर्स्ट बेडरूम में आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, यहाँ पे आपका इस टाइप से बेड लग जाएगा, यहाँ पे आपको स्लाइडिंग अलमीरा मिल जाती है, ये देखिए दोस्तों कितना अच्छा अलमीरा का वर्क कर रखा है, ये देखिए काफी अच्छा इसमें स्पेस मिल जाता है, ऊपर तक आप उसमें ड्रॉप मिल जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो इस वाले रूम की शानदार सी फॉल सीलिंग, बीच में सेंटर के लिए फैन लगा हुआ है, शानदार सा फॉल सीलिंग का डिजाइन हो रखा है, और काफी वेंटिलेटेड रूम है ये भी, यहाँ पे अपना बेड लगने के बाद पूरा वेंटिलेटेड रूम है, यहाँ पे आप लोग चाहो तो अपना विंडो इसी आराम से लगा सकते हो, नीचे आपको विंडो मिल जाती है। और यहीं से दोस्तों अब आ चुके अपने कहाँ पे, सेकंड बालकनी में, ये देखिए दोस्तों सेकंड बालकनी कितनी चौड़ी बालकनी है दोस्तों, ये देखिए उससे पहले इसकी जो चौड़ाई है लगभग आपको 4 फीट के आसपास मिल जाती है, 4 फीट की आपको बालकनी मिल रही है चौड़ी सी, यहाँ पे भी अपना वॉशिंग एरिया बनाइए, कुछ भी यूज कीजिए। तो देख सकते हो दोस्तों कितनी आलीशान सी बालकनी है। अब आपको लेके चलूंगा अपने सेकंड बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में, और तीसरी बालकनी की ओर। दोस्तों स्वागत है आपका सेकंड बेडरूम में, मास्टर बेडरूम में, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं काफी अच्छा स्पेस है, बेड आपका यहाँ पे लग जाएगा, आप चाहो तो आप छोटा टेबल वगैरह भी लगा सकते हो। दोस्तों ऊपर की ओर बात करो तो देख सकते हैं कितनी शानदार सी फॉल सीलिंग है, हमारा सेकंड बेडरूम मास्टर बेडरूम में वो रखी है, बहुत ही शानदार सी फॉल सीलिंग।
यहाँ पे भी आपको मिल रही है एक बड़ी सी अलमीरा, ये देखिए दोस्तों काफी अच्छी आपको अलमीरा मिल जाती है। वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे विंडो मिल रही है, आप चाहो तो विंडो से बड़े आराम से इंस्टॉल कर सकते हो। इसके ठीक सामने आप लोग देखेंगे तो शानदार सा आपको एक एलईडी पैनल मिल जाता है, नीचे आपको ड्रॉस वगैरह मिल जाते हैं। और दोस्तों आपका बहुत ही शानदार पैनल है, इसके ऊपर आपका बड़े से बड़े टीवी ले आना बड़े आराम से इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद आपको दिखा देता हूँ हमारा अटैच वॉशरूम। वॉशरूम देखिए दोस्तों कितना बड़ा है, काफी अच्छा स्पेस है वॉशरूम का, देख सकते हैं कितना बड़ा वॉशरूम है दोस्तों। लगभग इसकी बात कर ले चौड़ाई की, जैसे 4 फीट बाय 8 फीट के आसपास में मिल जाता है, काफी बड़ा वॉशरूम है। इसके अंदर सैनिटरी और बाकी है होना, ये आप हम करा के देखे शानदार सा, देख सकते हैं टाइल देखिए दोस्तों टाइल कितनी प्यारी लगी है इसमें। दोस्तों इसके बाद आपको दिखाता हूँ हमारा क्या थर्ड बालकनी दोस्तों, थर्ड बालकनी ये देखिए, थर्ड बालकनी में देखिए कितनी बड़ी आपको बालकनी मिल रही है, ये देखिए। एक बार मैं कैमरे में उनका भाई भी कहना चाहूंगा उनको पीछे जाके दिखाए कितनी बड़ी बालकनी आपको, तीसरी बालकनी 2 BHK के अंदर 30 बालकनी मिलना बहुत बड़ी बात है दोस्तों। हम लेके आए आपके लिए क्या 3 बालकनी का फ्लैट। तो दोस्तों ये था मेरा 90 गज का 2 BHK फ्लैट 3 बालकनी के साथ। इसका प्राइस जानने के लिए, कोई भी डिटेल जानने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मिलता आप लोगों से एक दोस्तों नई फ्लैट के साथ एक नए वीडियो के, तब तक के लिए नमस्कार।